तो हेलो गाइस, तो कैसा हो? तो मैं वापस आ गया हूँ फॉल अटैक में। आप लोग जैसे याद है, अगर मैंने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप लोग को याद होगा मैं सीज़न 2 में फॉल अटैक खेलता था, और ये है सीज़न 3 फॉल अटैक का। तो मैंने सोचा वापस मैं शुरू करता हूँ फॉल अटैक का सीज़न, कि उसमें मुझे थोड़ा मज़ा भी आता था और सोलो में खेल रहा हूँ अभी, तो चलते हैं। और इसमें बहुत सारे अपग्रेड किए गए हैं, जैसे कि ओ जनरेटर था उसको हटा के गगल स्टोन जनरेटर में सारा फिक्स कर दिया है। अभी इसी में सारा और अब जनरेट होगा, लेकिन इसको भी हम लोग को अपग्रेड करना पड़ता है। तो चलते हैं, पहले हम लोग थोड़े माइनिंग वाइनिंग कर लेते हैं, जैसे हम लोग को दिख जाए कहीं पे और चेंज हो रहा है क्या नहीं। और ये तो बोट के सामान थोड़ा है, बोट कर लिए थे पहले। आप लोग को याद होगा बोट कैसे किया जाता है, वरना मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को दिखा दूंगा बोट कैसे करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं माइनिंग थोड़ा, और एक्सपेंड करते हैं एरिया ना। और साथ में आज एक AFK फार्म बना कर आएगी, यानी कि और माइनिंग का AFK एगो। और देख सकते हैं यहाँ पे सीज़न 3 फॉल अटैक का केक है, लेकिन खा नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों रखे है। जब खा नहीं सकते तो रखे क्यों है भाई, केक को हटा देते हैं यहाँ से। तो ये है स्पॉन पॉइंट यहाँ का नया सीजन का, और यहाँ पे और कुछ प्लेयर है, कोई बात नहीं चलते हैं। तो और इधर घर बनाए, और यहाँ पे NPC सबको हटा दिए हैं यहाँ से, पता नहीं क्यों हटा दिए। NPC का काम थोड़ा बढ़िया रहता था, जिसको पता नहीं है, लोग NPC के थ्रू डायरेक्ट कर सकते थे। इन लोग को NPC वापस लाना चाहिए। और यहाँ पोर्टल है, लेकिन पता नहीं ये वर्क नहीं कर रहा अच्छा से, टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा जल्दी। तो इससे जल्दी तो हम हाथ टाइपिंग करके डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कमांड देख के। तो चलते हैं, कमांड दे देते हैं स्लैश इज गो से आप डायरेक्ट अपना आईडेंटिटी में जा सकते हो, अगर याद नहीं है किसी को तो, अगर फर्स्ट बार देख रहा है अगर वीडियो तो। ये थोड़ा लोड लेने में थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं ये गलेस्टोन चेंज हुआ है ना, तब से लोड ज़्यादा ले रहा है वर्ल्ड लोडिंग का। देख सकते हैं कितना देर देर स्पॉन होता है। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोग का। और देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉल आ गया, मिल गया हम लोग को, उससे एक XP मिल रहा है, साथ में माना भी मिलता है हम लोग को। जैसे माइंड करेंगे वैसे वैसे हम लोग को मिलता रहा। एक प्लेयर आया था, लेकिन कुछ फालतू बात कर रहे थे, इसलिए उसको मैंने स्किप कर दिया, उसे नहीं दिखाया। और यहाँ पे किट में आप लोग जाके जितने भी किट है वो सारा ले सकते हैं। जैसे बोट किट है, स्टार्ट किट है, PPE किट है, वीकली किट है, ये सारा किट आप ले सकते हैं, जितने वाइट कलर में है अनलॉक है। ये सब जो वाइट है वो सब अनलॉक है, जो रेड है वो सब लॉक है, उस आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सारा बोट करके ले लेते सारा किट सब, और उसके अंदर कुछ डायमंड कुछ क्या शायद रहते हैं ऑलरेडी, डायमंड का किसी किसी में मिल जाता है किट में। तो इसी से आराम से आप लोग अगर नहीं है कुछ पिकैक्स तो डाइट मिल सकते हैं यहाँ से। तो चलते जल्दी जल्दी किट सब ले ही लेते हैं, और जो जो किट बचा है मेरा वीकली किट बचा है। और आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे देख भी सकते हैं क्या क्या मिलता है इसमें, वैसे मैं बाद में आप लोग को दिखा देंगे खोल के चेस्ट में। अभी वैसे मैं थोड़ा, आज हम लोग को जल्दी काम करना है पूरा, हम लोग को बनाना है सब कुछ, और लेवल 15 में हम लोग को पहुँचना है, क्योंकि लेवल 15 में हम लोग का आइलैंड एक्सपेंड होगा। और जब तक एक्सपेंड नहीं होगा हम लोग का आइलैंड, तब तक हम लोग कुछ बना नहीं पाएंगे छोटे से एरिया के अंदर। तो जल्दी से अपना आइलैंड को एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करने के बाद आप लोग से फिर मिल पाएंगे और फार्म बनाएंगे AFK फार्म अपना। तो सारे चेस्ट लगा के आप लोग को दिखाई देते क्या क्या इसके अंदर रहते हैं। तो चलते चेस्ट लगा के आप लोग को दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे सारे चेस्ट को लगा देते हैं, इधर जाएगा ये, इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, तो ये लग गया। तो देख सकते हैं इसके अंदर यही सब रहेगा, कुछ लावा ये वो मिले जाएगा आप लोग को, और कुछ मनी है,
मनी का तो चिंता नहीं, मनी तुरंत अर्न हो जाता है। और इधर है कुछ, इसके अंदर है ये देख सकते हैं, इसमें डायमंड पिकेक्स, डायमंड आर्मर आप लोग को मिल जाता है इसके अंदर, और मनी भी थोड़ा मिल जाता है। अगर पिकेक्स आप लोग को नहीं बनाना तो डायमंड पिकेक्स यहाँ से तुरंत लेके माइनिंग भी स्टार्ट कर सकते आप लोग। तो 5,000 मिल गया हम लोग को इससे, इससे भी एक और 5,000 मिल गया, 10,000 हो गया। और इससे ये जो आपने अभी देखा, इससे एक गेम खेला जाता, पता नहीं इसके अंदर कहाँ पे है, उन जाके खोजना पड़ेगा। पुराने वाला में तो याद है कहाँ पे क्या रहता थे, इस अपडेट में थोड़ा खोजना पड़ेगा कहाँ पे क्या है, क्रिएट्स कहाँ खुलते हैं, ये सब कहाँ खुलते हैं, और आप लोगों की ये सब कहाँ पे मिलेगा वो भी अभी दिखा देंगे। आप लोग को एक कमांड लिखना है सिर्फ, और आप लोग पहुँच जाएंगे। पहले देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे की है मेरे पास, सारे की को ले लेते हैं, उसके बाद जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया कॉमन की, हो गया टोटल मेरे पास 9 हो गया, और एक शायद रेयर है ना क्या है ये देखे नहीं मैंने, कॉमन है 9। और आप लोगों को लिख देना है स्लैश WARP लिख के आपको इंटर कर देना है, और क्रिएट पे क्लिक करके टेलीपोर्ट आप लोग हो जाएगी, यस कर दीजिएगा, टेलीपोर्ट वहाँ पे आप लोग को कर देगा। और यहाँ पे आप लोग को टेलीपोर्ट होने के बाद एक 3 चेस्ट दिखेगा, उसमें से आप कोई भी एक चेस्ट पे क्लिक करिए, आप लोग को रिवॉर्ड मिलते रहेगा। और ये थोड़ा लोड लेने में टाइम ले रहा है, क्योंकि पहले बोला था मैंने यहाँ का थोड़ा ये है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये लोग ने बोल रहे थे अपडेट में तुरंत इसको फिक्स कर देंगे, तो ये अपडेट हो सकता है कभी भी, कल चाहे तो अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे डायमंड ब्लॉक, लैपिस ब्लॉक और कुछ क्रिएट मिल रहा है, मतलब और हो गया। तो वोट की मेरे पास हो गया 4, मनी कुछ उतना खास मिलते नहीं है, लेकिन कभी कभी मिल जाता है, बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है किसी को, मिल जाता है 5 मिनट माना मिल जाता है, कभी 5 मिनट कैश मिल जाता है, ऐसा भी कभी कभी मिल जाता है वो, लेकिन रेयर में हो सकता है। और कुछ टैग मिला है, टैग चले लेता है, क्या हो रहा है, इक्विप क्यों नहीं हो रहा, इधर नहीं हुआ क्या, लगता है अपना आइलैंड में जाके इक्विप करना होगा, यहाँ पे इक्विप का प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलते हैं आइलैंड में और वहाँ पे जाके इक्विप करने का ट्राई करते हैं। मुझे 2-3 टैग मिले हैं, तो तीनों लगा लेंगे जाके, और एक फॉलन वाला है, और वापस ट्राई करते हैं। यहाँ पे ले नहीं रहे, पता नहीं क्यों, पहले तो शायद ले लेते थे यहीं पे, तो स्लैश यूज करके वापस जाता है। और स्लैश टैग से आप लोग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं तो क्या क्या टैग आपका एक्टिव है और क्या क्या नहीं है, वहाँ से आप इक्विप कर सकते हैं। अगर टैग आप कर लिए तो अब वैसे आपको नहीं लगेगा कि लग जाएगा, यहाँ पे आके आपको एक्टिव करना पड़ता है। तो ज़्यादा पहले देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टैग हैं, आप लोग को ये सारे टैग मिलेंगे धीरे धीरे। तो ज़्यादा पहले आइलैंड में, और आइलैंड से आता तो आते नहीं, वहीं पे करते हैं। तो चलते हैं आइलैंड के अंदर और फिर करते हैं टैग, सबको लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पे अरे हो जाए टीपी, क्यों नहीं हो रहा, पता थोड़ा ये प्रॉब्लम है इस नेटवर्क से हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, हो गया टेलीपोर्ट। तो यहाँ पे इक्विप हो गया, ये देखिए यहाँ पे इक्विप हो गया, आइलैंड के अंदर इक्विप हो जा रहा है, बाहर में नहीं हो पा रही क्यों नहीं पता नहीं। अरे आसमान में क्लिक करने पे नहीं हो रहा है क्या, गजब है, यानी कि ब्लॉक के ब्लॉक में डालना होगा, वो चलना चाहिए था ऐसे, कोई बात नहीं चलते हैं ये सब। तो जाके एक इक्विप कर लेते हैं स्लैश टैग,
लिख देना है इंटर, कर देना है, और ले लेते हैं हम फोनेट, ये ले लेता है, ये मेरा एक्टिव हो गया है, लेकिन आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा। अभी आप लोगों को दिखाते हैं हाई लिख देते हैं, तो मेरा इसमें ऐड हो गया होगा, हाई लिख दिए तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया। फॉलन क्या लिखा हुआ है, 10 कुछ भी लिखा है, छोड़िए, मतलब आप तो चलते थोड़ा माइनिंग कर लेते हैं। और हमें मिला था एक डायमंड का पिकैक्स, और ये सब रख देते हैं जितने भी हमको मिले हुए आइटम फालतू फालतू के। ये वैसे लैपिस का तो कोई काम नहीं, डायमंड का काम है पिकैक्स से सब बनाने का। और बोट का पिकेस है, इसी को इस्तेमाल करते हैं अभी पहले, क्योंकि कुछ तो चलते थोड़े देर माइंड कर लेते और आर्मर पहन लेते हैं। तो ये आर्मर पहन लिए और थोड़े देर माइंड कर लेते हैं और देखते हैं आइलैंड को अपग्रेड करने के बाद आप लोग को अपडेट मिलते हैं और जैसे एक्सपेंड कर पाए, तो मिलता है आप लोग से अपग्रेड करने के बाद। तो यहाँ पे फाइनली अपडेट हो गया था गेम, और देख सकते हैं यहाँ पे लावा की जगह ई ब्लॉक का ब्लॉक को हम लोग को डालना पड़ेगा, जैसे ये जनरेट होगा कोल और ये सब जनरेट होगा इसी में होगा, यानी किसी भी इसमें चेंज नहीं किया है, ब्लॉक को लावा को हटा के इसको कर दिया, जिससे इसका FS ठीक हो जाएगा, मतलब इसका जो प्रॉब्लम होता था लोडिंग सब में वो ठीक हो जाएगा। और आप लोग को ये फ्री मिलेगा, आप लोग अभी जितना चाहे उतना ले सकते हैं। आप लोग सिंपली लिखना है स्लैश शॉप जाके, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है फ्री वाला में जाके आपको जितना चाहिए उतना लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग को जितना चाहिए उतना अमाउंट लिख के इंटर कर दीजिए, लेकिन एक है इसका लिमिट है, मतलब ऊपर में तो आपका जितना इन्वेंट्री खाली, पहले इन्वेंट्री पूरा खाली करके और जितना लिखा हुआ है उतना टाइप कर दीजिए। तो देख सकते हो हमको मिल गया 200, लिखे थे तो 200 हम लोग को ब्लॉक मिल गया इसका। आप लोग यानी जितने लिख सकते हैं, लेकिन लावा में ये होता था हम लोग लावा खरीदना पड़ता था, उसका मनी लगता था, इसमें हम लोग को मनी नहीं लग रहा, ये लोगों ने थोड़ा ये गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे लावा का जो तो मनी लगता है, इसका भी उतना मनी डाल देना चाहिए था, सब कोई फ्री का जितने ले रहे इसमें, ये थोड़ा गलत कर दिया ये लोग ने। नहीं कोई बात नहीं, जो अभी शायद ये कुछ देर के लिए और बाद में शायद फिक्स कर देगा। और थोड़ी देर मैं यहाँ पे माइंड कर लेता हूँ, और मैंने भी थोड़ा AFK बना लिया, जिससे हम मेरा 50 लेवल हो जाए, और फाइनली मेरा हो गया 15 लेवल। तो आखिरकार अब मैं बना पाऊँगा अपना AFK फार्म। तो चलते एक्सपेंड कर लेते हैं आइलैंड को, स्लैश एक्सपेंड लिख देना है, जैसे आप लोग आइलैंड एक्सपेंड हो जाए। तो हमें चाहिए 1000 15 हज़ार हम लोग को चाहिए होगा, तो ये डोनेट करके कर देते अपना आइलैंड में 1 मिलियन ट्रांसफर। 1 मिलियन नहीं हुआ, और अभी मतलब 15 लेवल में सिर्फ इतना ही मनी ट्रांसफ़र हो पाएगा, मतलब जितना आपको लेवल है उस हिसाब से आपका ही जाएगा ट्रांसफ़र होगा अपना बैंक का आइलैंड, मतलब आइलैंड का अंदर मनी। तो कह देते हैं जितना है, तो गेमिंग बॉय इंटर, तो ये हो गया मेरा ट्रांसफ़र सारा मनी। तो चलते अब एक्सपेंड कर लेते, तो ये फाइनली हो गया एक्सपेंड। तो हम लोग का हो गया रेडियस 20 का रेडियस में मिल गया, तो ये भी बहुत बड़ा आइलैंड होता है, मतलब और इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जल्दी से मैं 20 लेवल करके वापस एक्सपेंड कर लूँगा, और ये ब्लॉक को हटा देता हूँ, क्योंकि आप लोग हम लोग बनाने वाले बड़ा इसके जगह बड़ा AFK फॉर्म, जिसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ के रहना है और AFK होते रहेगा आराम से। तो चलते हैं नीचे तरफ बिल्डअप कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि ऊपर में हम लोग को ज़्यादा बड़ा आइलैंड नहीं मिल पाए, इसलिए नीचे में बना रहे, जैसे आराम से थोड़ा बड़ा बनेगा। तो जल्दी से यहाँ पे आइलैंड बना लेते हैं, यहाँ ब्लॉक ख़त्म हो रहा है, और वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और हम लोग को
बनाना भी यही है, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया थोड़ा। अगर आप लोग को मेरे चैनल पर नहीं आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, और साथ में अगर आप लोग मेरे साथ खेल रहे तो कभी कभार आ भी सकते हैं आप लोग मेरे आइलैंड में, तो मैं देखूँगा आप लोग के साथ खेलने का ट्राई करूँगा कभी कभार। अगर आप लोग को वोट ये सब करना है तो आप लोग को नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाए वोट का, उसके शॉप में जाके आप लोग ये भी खरीद सकते हैं, रैंक खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक है, और इसका एक ऑफिशियल ऐप भी आता है, वो ऐप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें आप लोग देख सकते हैं स्टेटस और इसके शॉप के बारे में देख सकते हैं। चाहे तो अगर मुझसे बात करना होगा तो चाहे तो आप लोग सीधे जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड के लिंक हो गए, डिस्कॉर्ड में आप लोग जाके हमसे बात कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में। कुछ तो आखिरकार मेरा आइलैंड बड़ा हो गया, और साथ में मैंने थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया था, चले थोड़ा कम हो गया था, देख लेते हैं और कितने लगाना है, तो चलते हैं देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो यहाँ पर 27 ब्लॉक ले आना है, 27 ब्लॉक लाने के बाद ऊपर जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ब्लॉक आप लोग को ले जाना है, और मैंने गलती से एक ब्लॉक और डाल दिया, कोई बात नहीं मैं इसको तोड़ दूंगा बाद में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक ब्लॉक ने ज़्यादा दे दिया, तो मैं जाके इसको तोड़ देता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 9 ही 10 है क्या, 9, हाँ एक ब्लॉक ज़्यादा है, तो इसको एक ब्लॉक को तोड़ देना यहाँ से, यहाँ पे 9 का हाइट इसको ले जाना है पूरा। तो चलते इसको पूरा फुलफिल मतलब कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, पूरा आगे तक ले जाना जितना अब मैंने किया था नीचे में, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो चलते बनाते आगे का स्ट्रक्चर जो था, तो यहाँ पे आप लोग को ख़रीद लेना है कुछ बेड रॉक, क्योंकि बेड रॉक टूटते नहीं है, तो फिर आराम से ही माइनिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आगे इधर ले जाना है 4 ब्लॉक ले जाना है, 1, 2, इधर से गिनना है 1, 2, 3, 4, ये बीच में होगा हम लोग का स्पॉन होगा, मतलब जो स्पॉन होते मतलब और ये सब स्पॉन होंगे, ब्लॉक स्पॉन होगा, और सेकंड में वाटर, थर्ड में वाटर, और यहाँ पे जाएगा एक और। तो ऐसे मतलब इधर भी करने और उस पीछे में भी करने, तो मिलते हैं सब करने के बाद आप लोग से। तो यहाँ से आप लोग सीधा जाएगा बेडरॉक, जैसे हो जाएगा हम लोग का पूरे फुल मतलब कवर हो जाएगा, कवर कर देना इसको। तो मिलते हैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे का, तो इधर से कर देना चले दे और इधर ले जाना इधर। तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट, और यहाँ से एक ब्लॉक नीचे ले जाके आपको यहाँ पे कर देना है, ले आना है सीधा, और वैसे ही दूसरी साइड भी करना है आपको, ये साइड भी ला देना है एक ब्लॉक इधर, और ले आना है एकदम सीधा इसको। ये जो ब्लॉक लगा रहे हैं ये जाएगा मतलब पूरा नीचे तक कवर जाएगी, तो इसको बाद में कर देंगे, और इधर एक ब्लॉक लाना है आगे, और इसी तरह से उस साइड भी कर देना, और ये ब्लॉक पूरा कवर हो गए जो अभी डाला है मैंने, इसको पूरा कवर कर देते हैं।
और इस तरफ भी कवर कर देता है। अब मिलते हैं पूरा कवर करने के बाद इसको। तो यहाँ पे लगभग हो ही गया कवर मेरा, तो यहाँ पे कवर हो गया मेरा और देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को नीचे का दो ब्लॉक हटा देना और इसके जगह लगा देना बेड रॉक, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो गया था। और यहाँ से एक पार होने का रास्ता रहेगा हम लोग का। और इधर से एक रहेगा आने जाने का, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को ये कवर कर देना, ऊपर में जो ब्लॉक लगाए थे हम लोग ने इससे कवर कर देना है। तो ये मैंने कवर कर दिया है। और आगे वाला एक ब्लॉक छोड़ देना, जो नीचे में ब्लॉक डाले थे उसी से कवर करना है। और एक रास्ता बना देना, आप लोग को बता देगी किधर से रास्ता बनाना। तो यहाँ से भी आप लोग को ये कर देना। चलते हैं अंदर में का, अंदर का काम अब कर लेते हैं हम लोग और जल्दी जल्दी करते हैं। तो अंदर में आप लोग को आके एक ब्लॉक इधर लगा देना है, जैसे कि पानी गिरेगा तो ये नहीं हो, हम लोग का प्रॉब्लम ना हो चलने में। और उसी तरह से इस तरफ भी कर देना है। इस तरह से करने के बाद आप लोग को ठीक इधर आना है। और इधर भी एक ब्लॉक आप लोग को रास्ता एक इधर से बनाना है, क्योंकि इधर से आप लोग को जाना है, क्योंकि उधर आप लोग कर नहीं पाए। और इधर से आप लोग को फुलफिल कर देना, जहाँ पे रास्ता मतलब जिधर नहीं है ना, और जनरेटर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पूरा ये डाल देना है, बेडरॉक डाल देना है। जैसे इस जहाँ पे दिखा देते हैं, इस इधर आप लोग को कर देना है लग जा। तो इधर पूरा आप लोग को सिर्फ दो ब्लॉक छोड़ना जहाँ पे पार हो सके, और पूरा आप लोग को इसको भर देना। तो इधर पूरा मैंने भर दिया, ऐसे भर देना आप लोग को पूरा। फिर आप लोग को ट्रैप डोर ला के और इधर आप लोग को और के ठीक एक ब्लॉक नीचे आपको लगाना है, ये इधर लगा देना। ऐसे पूरा लगा देना आप लोग को अराइंड में, और इधर भी लगा देना उस साइड भी लगा देना। और इसको क्लोज कर देना मतलब ओपन रखना, तो आप लोग जैसे चल सके। ये लगाने का ये फ़ायदा है, जैसे आप वाटर डालेंगे तो आपकी तरफ वाटर ना आए। तो यहाँ पे आप लोग को आप ख़रीद लेना, आइस भी ख़रीद लेना है, नीचे में आइस आप लोग को चाहिए होगा। तो चलते यहाँ पे आइस लगा देते पूरे आइलैंड के अंदर जहाँ पे चले। तो मैंने पूरा आइलैंड में लगा दिया आइस पिक, और हो गया मेरा इधर लगभग कंप्लीट हो गया है। और आप लोग को यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट लगा देना है, और वाटर आप लोग को डालते जाना है एक एक। यहाँ पे दो ब्लॉक के बाद आप लोग को एक सैम पोर्ट लगाना, उसके बाद छः ब्लॉक के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एक लगा देना, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे एक लगा देना वापस। इधर लास्ट में यहाँ पे दो ब्लॉक के बाद वापस 6, और यहाँ पे दो ब्लॉक के बाद वापस आप लोग को यहाँ पे लगाना है ऐसे। वापस यहाँ पे दो ब्लॉक के बाद इधर लगा देना, वापस 6 ब्लॉक के बाद वापस 6 ब्लॉक, वापस दो ब्लॉक, ऐसे आप लोग को कर देना। ये हो गया तैयार आप लोग का एफ के फार्म। तो आप लोग को दिखा देते ये कैसे करते हैं एफ के, एक बार आप लोग इस्तेमाल करके दिखा देते हैं। पिकैक्स ले लेना है और ऊपर देखना है और दाब के रखना है, आपका एफ के स्टार्ट हो जाएगा। आराम से आप लोग को माइन करते जाना है। और आप लोग को अगर हंगर बार और ये सब ख़त्म होगा तो मैं आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दूंगा कैसे बनता है ये इसका पिकैक्स। और उससे आप लोग हंगर बार ये सब नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद थर्ड एपिसोड में भी आ सकता है, क्योंकि उसके बुक ही सब को खोजना पड़ेगा और वो मिलते हैं बहुत कम प्लेयर लोग के पास और ज़्यादा मनी मांगते हैं। तो ट्राई करते हैं सारे बुक मांग के और इसको कंप्लीट करते हैं, और ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेन हम लोग का टास्क था यही कंप्लीट करना, मेन अपना एफ के बनाना, जैसे हम लोग का आइलैंड अपना अपग्रेड कर पाए जल्दी जल्दी। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते एक बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बनाने खोजेंगे स्पॉनर खरीद के, और उसमें डालेंगे एक्सपी का जुगाड़ करेंगे, क्योंकि एक्सपी का भी बहुत काम होता है, एक्सपी और मॉब कॉइन हो गया इसका बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आज का आइलैंड ये पीछे वाला आइलैंड भी थोड़ा ठीक कर देंगे मैं। तो मिलता है आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक से
देखते रहे हमारा प्यारा वीडियो गेमिंग बॉय का चैनल, और तक तक से बाय बाय।